Now, what do you feel when you see lots of beautiful ladies roaming around Mahmud Bhatti? For me, no problem, because I confiance him. Great. This is more important. औरत के बारे में तो आप इतने हसास हैं कि आप कहते हैं कि औरत को तो किसी फूल से भी नहीं मारना चाहिए. बिल्कुल, औरत का जो एक इमेज है ना, वो बहुत ऊपर है. ये हर आदमी को समझना चाहिए, औरत को हम एक फूल से नहीं, किसी चीज़ से आदमी लगा सकते. लेकिन औरत हमेशा वो लड़ाई आपके साथ हो जाएगी, आपको चाहिए उसके पास जाने के लिए. ये बड़ी दफ़ा इस हमारी लड़ाई होती है, फाइट टुगेदर, लेकिन मैं हमेशा जाता हूँ उसको लेने के लिए, हमेशा ये करने के लिए. ये जेंटलमैन होना चाहिए ना. मेरे घर पे वहाँ पे लड़के हैं, लेकिन सर मैं, मुझे बड़ा शौक़ है टेबल लगाने का, मोमबत्तियाँ जलाने का, ये सब चीज़ें. टेबल अच्छा सा खूबसूरत टेबल लगा के, और मैं इसके साथ हम खाना खाते हैं. नॉर्मली किस बात पे लड़ाइयाँ होती है? होती रहती है हर कपल पे. कोई ऐसा कपल नहीं जिस पे नहीं होती हो, ठीक है ना. हर कपल में अप डाउन होती रहती है. ये डिपेंड करता है किस पे. औरतें जो है ना, पूरी दुनिया के बिल्कुल एक ही औरत है. हाँ, बिल्कुल सेम जैसी है, बिल्कुल. हाँ, मनाने में पहल कौन करता है? हमेशा ही मैं जाता हूँ इसके पास मनाने के लिए. हाँ, माय डार्लिंग, प्लीज माय डार्लिंग. जो आपने बात की कि औरत दुनिया में कहीं पे भी हो, वो एक जैसी होती है. एक जैसी होती है. उसका शौक है लड़ाई लड़ने का. छोटी छोटी बातों में, इसने को देख लिया, उसने को देख लिया, इसने क्यों हो गया, ये सब औरतें एक जैसी होती हैं, बिल्कुल. आप पे तो सबसे ज्यादा आसानी के साथ शक किया जा सकता है. वही ना. मैम को बुर्का पहना के कहाँ लेके गए थे आप? जब कपड़ा लेने गए थे लंडे बाजार में, इसलिए कोई प्राइजें ज़्यादा हो जानी थी. पाकिस्तानियों को कोई पैगाम देना चाहे? ये पैसा ज़िंदगी में आनी चाहनी चीज़ है. अगर आप फ़िरौन बनेंगे, अल्लाह में इन चीज़ों को पसंद नहीं करता. जो आपके पास घर पे काम करते हैं ना, इनसे तमीज़ से बोलें, इनकी इज्जत करें, इनकी दुआएँ लेके आप आगे चलें. ये जो इतना खूबसूरत ड्राइंग रूम है, इसको सेट करने में और इस घर की डेकोर में मैम का भी कोई कंट्रीब्यूशन है? हाँ, हम दोनों करते हैं, बिल्कुल. दोनों ने सारे घर को बनाया, दोनों ने मिलके यहाँ पे करते हैं मिलके. ये जो सोफे हैं इतने खूबसूरत, हाँ, ये किसने डिज़ाइन किए? ये हमने दोनों ने डिज़ाइन किए थे. कपड़ा यहाँ से पाकिस्तान से आया. ये घर जो है ना, सारा 100% मेड इन पाकिस्तान है. और कोई चीज़ इसमें बाहर से नहीं इस्तेमाल? नहीं, हमने बाहर से नहीं ली. जो बड़े बड़े स्टैचू पड़े हैं वो बाहर के हैं, बाकी सब चीज़ें मेड इन पाकिस्तान. पाकिस्तान में इतने पाकिस्तानी इंटेलिजेंट हैं, इतने माशाल्लाह उनको चीज़ें दी हुई हैं. ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, इनके लिए स्कूल कल्चर का पता लगे, सोफ़े कैसे बनते हैं, फैशन कैसे बनता है, लाइटें कैसे बनती हैं. इसलिए इकॉनमी पाकिस्तान की ग्रो तेज़ होगी ना, इसलिए आप बाहर सब चीज़ें से सपोर्ट करेंगे, सब कुछ करेंगे. लेकिन इकॉनमी के मतलब बहुत कम लोग सोचते हैं. मैम को बुर्का पहना के कहाँ ले गए थे आप? हम गए थे जब कपड़ा लेने गए थे लंडे बाज़ार में, तो वहाँ से ये कपड़ा लेके आए थे. और मैम को बुर्का पहना के ले गए? हाँ, बिल्कुल. किसी, क्योंकि इसलिए प्राइजें ज़्यादा हो जानी थी. तो प्राइजों की वजह से उसके मैंने इसके वो चादर पहना के ना लेके गए थे, बिल्कुल. अच्छा, तो वापस आते हैं पेरिस की तरफ. कि बड़ा सानिया हो गया, एक ब्लास्ट हो गया पेरिस में, और उसमें अल्लाह ताला ने आपको एक नई ज़िंदगी दी. वो क्या था? वो मेरी पूरी बिल्डिंग एक सड़ गई थी, वहाँ पे आग लग गई थी. और ये भी एक ज़िंदगी का बड़ा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है ज़िंदगी में. बड़े लोगों ने मुझे मिलना छोड़ दिया, फ़ोन करना बंद कर दिया था. जिनसे मैं चीज़ें लेता था वो डर गए थे, पता नहीं पैसे देगा या नहीं देगा, पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि सब चीज़ें तबाह हो गई हैं. कोई मतलब यूरो टाइम, यूरो जो करेंसी थी वो थी मेरा ख्याल कोई 10 करोड़ यूरो का, जो मुझे नुकसान हुआ था. पाकिस्तानी पता नहीं कितने खरबों में बनते हैं.
तो लेकिन मैंने अपना पीछा नहीं छोड़ा था, दिन रात मैंने 24 आवर काम कर 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 करके किसी दोस्त के पास जाके उसने जगह दे दी, तो यहाँ पे कर ले, उसने कहा यहाँ पे कर ले, फिर अल्लाह ने मुझे ऊपर ले गया बिल्कुल। कितना अरसा ये रहा? ये मतलब 6 साल में मैंने अपना दोबारा ज़ीरो से काम ऊपर ले गया था मैं सारा कुछ। ये जो पीरियड था इसमें तो बहुत से लोगों के चेहरों से परतें हट गई होंगी। हाँ, बड़े लोग खुश भी थे, आपको पता ना मैंने पहले भी आपको बताया था, इसको कहते हैं ज़िंदगी। जब आपके पास पैसे नहीं होते, गरीब होते हैं, लोग आपको सलाम नहीं करते। जब आपके पास थोड़े से पैसे आ जाते हैं, फिर वो कहते हैं इसको मारा कैसे जाए, ठीक है ना, इसको कहते हैं ज़िंदगी। तो इस ज़िंदगी में वो माइक टायसन है ना बॉक्सर अमेरिकन, तो वो बॉक्सिंग खेलता है, तो आपको भी सुबह उठ के बॉक्सिंग खेलनी चाहिए। ऐसे दिन में आदमी चीज़ें करता है। इसमें किस हद तक सदाकत है कि आपको पाकिस्तान में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लेकर आई थी? बिल्कुल, वो मुझे लेके आई थी, क्योंकि वो मेरे पास जब पाकिस्तान से चले गई थी, मेरे पास होती थी पेरिस में, तो उसने मुझे कहा पाकिस्तान में तेरा यूरोप में इतना नाम है, इज्जत है, पाकिस्तान में तू जाता नहीं है, क्यों नहीं आता यहाँ पे वर्ल्ड कप पे फैशन शो करने के लिए? फर्स्ट फैशन शो मैंने अवारी में किया था वर्ल्ड कप पे। तो फिर उसको मैंने कहा था मैं अपने मुल्क के लिए करता हूँ फैशन का, एक छोटे से घर पे फिर मैंने स्कूल बनवाया, मशीनें वहाँ से भेजी, सारी चीज़ें की, वहाँ से सारा मैंने काम शुरू किया। बिल्कुल बेनज़ीर लेके आई थी। पाकिस्तान में फैशन इंडस्ट्री का मुस्तकबिल कैसा देखते हैं आप? मैं उनके पास जाता नहीं हूँ, लेकिन अब मुझे ये पता है यहाँ पे फैशन वीक शुरू हो गए हैं, फैशन शो हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, और मुझे बड़ी खुशी है क्योंकि मैंने इन चीज़ों पर मैं लेके गया था, मैंने शुरू करवाया था, ठीक है। तो वो हर आदमी आपके अपने आप को डिज़ाइनर नहीं कह सकता, डिज़ाइनर वो होता है जो अपने सिर से चीज़ें ढूंढे और करे, क्योंकि बाहर जो है ना हर आदमी के जो कपड़े पहने होते हैं ना, तो सबको पता ही आपने भट्टी साहब के कपड़े पहने हुए हैं, आपने उस डिज़ाइनर के पहने हुए हैं। अगर यहाँ पे पाकिस्तान ने एक दूसरे को कॉपी करके सेम विंडो सेम 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 तस्वीरें लेकर डिज़ाइन बना दिए ना, तो उसको फिर डिज़ाइनर नहीं आप कह सकते। डिज़ाइनर वो होता है जो दुनिया की मार्केट में जाए, दुनिया की पूरी दुनिया जाके देखे। मेरे जो ऑफिस हैं 86 कंट्री में थे, मेरा नाम माशाल्लाह वहाँ पे मशहूर हुआ था, ठीक है ना, मेरी लाइफ पे बुक्स बनी, 4 मूवीज़ बनी, वो लोग आपके करते हैं। ये टीवी अखबारों में आके पब्लिसिटी होती, पब्लिसिटी आपकी चलती है जो लोग आपके बारे में बताएं। सर आपने बताया कि वहाँ पे 86 ममालिक में आपके ब्रांड हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी है? नहीं, पाकिस्तान में मैंने अपना इसलिए ब्रांड कभी नहीं बनाया, लेकिन चीज़ें सब मैंने शुरू कर दी हैं, मैंने बना दी, स्कूल बना दिया, यूनिवर्सिटी बन गई, फैशन की ये चीज़ें शुरू हो गई, इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि ना वो पाकिस्तान में मुझे कोई ऐसा आदमी चाहिए था जो मेरे नाम को ख़राब ना करे। नाम जो है ना आपका बनाना बड़ा टाइम लगता है, बड़ी मुश्किल से उसको ख़राब करते हुए 1 सेकेंड लगता है। इन 22 करोड़ों में एक भी ऐसा कोई ट्रस्टवर्दी नहीं मेरे पास कोई आया भी नहीं है, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं रहा क्योंकि मैं और काफ़ी बिजनेस करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, तो वो उस पर टाइम ही नहीं मिलता। जब मैं आता हूँ तो 24 आवर मैं अपना बिज़ी रहता हूँ, ठीक है ना, अगर कोई आता तो मैं करता हूँ। क्या उसके पीछे ये वजह तो नहीं कि आपको ये हो कि यहाँ पे चूँकि पायरेसी बहुत ज़्यादा है, यहाँ कॉपीराइट की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे लेके तो लोग उसकी नकल बना बना के मार्केट में? बिल्कुल, वो आपकी जो मार्केट बिजनेस आपका किल कर देंगे, ये भी बड़ा डर है ना लोगों को। तो